नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम एकेडमी हिसार में स्वागत है। हम भाई पीछे कर रहे थे मैथ्स। मैथ में हमने परसेंटेज का टॉपिक है जो हमारा वो पूरा कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे अभी प्रॉफिट और लॉस के बारे में, यानी लाभ और हानि के बारे में। देखिए, पहला चैप्टर जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, लाभ और हानि का। सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इसके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। और बिल्कुल आपको मैं इसमें पहले आपको बेसिक्स बताऊंगा, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, पहले हम इस क्वेश्चन को छोड़ के अपना सब कुछ बेसिक समझते हैं एक बार। बेसिक देखो क्या होता है, लाभ और हानि, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है ये। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है भाई। लाभ और हानि, देखो लाभ कब होगा, सबसे पहले कोई भी चीज हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हम इन्हीं दो पे बात करते हैं भाई। क्रय मूल्य हमारा होता है जिस भी मूल्य में हम खरीद के लेके आते हैं, और विक्रय मूल्य हमारा होता है भाई जिस मूल्य में हम उस चीज को बेच देते हैं। देखो, हम कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा भाई, ठीक है। और ज्यादा रुपया में ले लाएंगे, थोड़ा हम बेच देंगे तो क्या होगा, हानि होगी, यानी अपना घाटा होगा, सीधी सी बात है या, ठीक है। इसके बाद भाई देखो, अगर हम पहले बात करें लाभ की भाई, आप बात कराएंगे भाई सबसे पहले किसकी, लाभ की। लाभ, लाभ का क्या मतलब हो भाई, देखो लाभ का मतलब सीधा सा हो भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य भाई, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी एक और सीधी सी बात मैं कहना चाहूं, यानी विक्रय मूल्य ना मैं आगे एसपी लिखूंगा भाई अपना सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य लिखूंगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। मैं सीधा सा कहना चाहूं भाई, यानी कि अपना जो एसपी है वो बड़ा होगा किससे भाई, सीपी से। तो हमें क्या होगा भाई, लाभ होगा। लाभ और हानि हम दोनों किस में निकालेंगे, सिर्फ प्रतिशत में निकालेंगे। और प्रतिशत में निकालने के लिए हम उसकी क्रय मूल्य से तुलना करेंगे, क्योंकि एक बात बताओ आप, जितने में आप खरीद के लेके आओगे उसी पे तो लाभ कमाओगे, थोड़ी है कि बेचने वाले पे लाभ कमा लिया। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे भाई, क्रय मूल्य की हम बात करेंगे, और क्रय मूल्य के ऊपर ही हमें किसका पता चलता है, लाभ का और हानि का, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हमें निकालना हो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि जितना भी हमें लाभ हुआ है, मान लो मैं आपको कहता हूं कि मैं कोई चीज है भाई, कोई भी वस्तु है 80 रुपए की लेके आया और मैंने उसको 100 रुपए का बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हो गया, 20 रुपए का, ठीक है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, लाभ यानी कि 20 रुपए को लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि अपना कौन सा भाई, कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, ये हमारा क्या होगा भाई, लाभ प्रतिशत इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। यही बिल्कुल सिंपल सी बात हमारी हानि के लिए भी होगी। अभी हम हानि के लिए बात करते हैं भाई। देखो हानि हमें कब होगी, हम बात कर रहे हैं हानि, हानि हमें कब होगी, जब हम किसी भी वस्तु को ज्यादा रुपयों में खरीद कर और कम रुपयों में बेच देंगे। जैसे मैं 100 रुपया के ले आऊं भाई, कोई भी चीज है 100 की ले आया, ठीक है, 70 रुपये में बेच दी, कितने घाटा हो गया, 30 रुपया घाटा हो गया भाई, ठीक है। इसी को क्या हम क्या बोल रहे हैं भाई, हानि यानी कि घाटा, ठीक है। देखो हानि के बारे में आप सीधा सा कहा तो क्या होगा भाई, क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा भाई विक्रय मूल्य से। तो हमें क्या पता चलेगा कि आपने क्यों है भाई, हानि हुई है, ठीक है, सीधी सी बात है भैया। विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, खरीदी ज्यादा की है बेची कम की है, तो क्या होगा, हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालने खातर, हानि प्रतिशत निकालने खातर बस लाभ की जगह पे के रख देंगे भाई, हानि, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। देखो भाई, जो भी सारा का सारा प्रोग्राम है पूरा का पूरा है बस क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य के बिना अपना कुछ नहीं है। क्रय मूल्य अगर अपना नहीं है तो ना तो अपना नुबेरा होगा भाई, कितना लाभ है, कितनी हानि है, कुछ भी नहीं बेरा होगा, ठीक है। अभी अपन अगर देखो दो चीज दे रखी है, क्रय मूल्य और लाभ या हानि,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ हानि आपने पूछ ले। मैंने आपती परसेंटेज के बारे में एक बात बताई थी परसेंटेज में कि एक फाइनल वैल्यू है और अपना एक के है भाई इनिशियल वैल्यू यानी एक प्रारंभिक वैल्यू है और एक अंत की वैल्यू है भाई। ठीक है, प्रारंभिक कौन सी होगी? अपना क्रय मूल्य होगा भाई, क्योंकि क्रय मूल्य के अपना शुरू में जो पैसा इन्वेस्ट करा वो तो क्रय मूल्य है। ठीक है, और अंत के होगा भाई अपना विक्रय मूल्य, भाई इतने रुपया के लिए इतने रुपया में बेच दी। उसी तरह अगर अपन निकालना हो भाई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कौन सी वैल्यू है भाई? बिल्कुल स्टार्टिंग की वैल्यू है और उसके बाद आप कहां पर क्रय मूल्य निकालना और विक्रय मूल्य दे रखा है भाई, विक्रय मूल्य दे रखा है, इतना प्रतिशत लाभ भी कमा लिया उसने, तो आप क्या बताओ क्रय मूल्य बताओ। तो आप क्या करेंगे, देखो मैंने एक बात बताई थी उसमें भी कि इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वैल्यू बराबर होती है फाइनल वैल्यू गुणा में 100 बटा में 100 या 100 में प्लस माइनस जो भी हमारा होगा भाई। देखो लाभ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस और हानि होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, यही बात मैंने बताई थी उसमें भी। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस आप एक्स लिख देंगे, एक्स ना पे के मैं नहापन भयो लाभ व हानि, मैं लाभ हानि। ठीक है भाई, अगर लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा और हानि होगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप सेम बात करावे भी अपन निकालना विक्रय मूल्य, क्या निकालना भाई विक्रय मूल्य, अगर अपन विक्रय मूल्य निकालना हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। बस देखो विक्रय मूल्य उड़ना गया भाई, अपन निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुणा में, अब जो ये नीचे था भाई अपना जो कि ना बिक जाएगा भाई ऊपर, क्योंकि विक्रय मूल्य क्यों है ज्यादा है फाइनल वैल्यू का, फाइनल वैल्यू खातर भी मैंने एक बात बताई थी, फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल वैल्यू गुणा में 100 प्लस माइनस एक्स वन बटे 100 गुणा 100 प्लस माइनस एक्स टू बटा 100, यह बात आपने परसेंटेज में कर दी, यह आप पूरा करांगे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। ठीक है भाई, प्लस माइनस का मतलब मैंने भी बताया था, प्लस आप कद करेंगे जब अपन लाभ होगा और माइनस आप कद करेंगे जब अपन हानि होगी। ठीक है भाई, यो इस चैप्टर के बारे में भाई बेसिक है, अपन लाभ के बारे में पढ़ा भाई लाभ के हुए है, हानि के बारे में पढ़ा हानि के हुए है, उसके बाद अपन हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों के बारे में पढ़ा कि हानि प्रतिशत निकालने खातर आप यो फार्मूला लगावेंगे और लाभ प्रतिशत निकालने खातर आप हानि की जगह बस के लिख देंगे भाई लाभ लिख देंगे। ठीक है भाई, इसके बाद अपने जो नॉर्मल से क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज आप अपनी क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन शुरू कराएं भाई, आ गई तो अपना पहला क्वेश्चन अपने दोहरा है भाई, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो सबसे पहली बात अपने की है भाई, अपन एक्स को मानना, अगर आप एक्स मान के चल पड़े तो अपना कदे भी कोई भी जवाब सही नहीं होगा भाई। ठीक है, सबसे पहले अपना के काम है भाई, अपन एक्स तय दूरी बना के रखनी है, एक्स तो कोई एक आधी बार जमानू अट गया नहीं जद मनाना है बस। ठीक है, नहीं तो एक्स तो दूरी रखो आप। इब देखो अपना पहला सवाल के है, दस वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो सबसे पहले अपना आप ले हुए वस्तु, वस्तु है भाई अपने पास 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु अपने शुरू में कितनी थी भाई, बाद में कितनी होगी भाई 5। मैं एक बात कहूं कि माना क्रय मूल्य बराबर हमारा 100 है भाई, यहां पे लिख दू छोटे अक्षर में, माना क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर के है भाई 100 रुपये, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु का अगर आप देखें एक वस्तु का तो क्या होगा भाई 100 बटे 10 यानी कि क्या आ गया 10 रुपये क्या आ गया भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया भाई, एक वस्तु अपन कितने में खरीदी 10 में खरीदी, आगे क्या कहा भाई 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो था अपना क्रय मूल्य वाली बात भाई, और यह अपनी किसकी है भाई विक्रय मूल्य की बात है भाई। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है भाई, यो भी 100 था यो भी 100 है भाई, ये भी 100 की कितनी चीज है 5, पहले कितनी थी 10, अगर 100 की 5 चीज है
एक कै की होगी भाई। देखो अपन 10 की ले थी, बेच कितने की थी? 20 रुपए की बेच दी। ओबियस सी बात है भाई, अपन लाभ होगा। अगर आप 10 की लेके 20 की बेचने लगे रत के होगा भाई, लाभ होगा। एक बात मनी पे धरती सिखाई थी, वो दोनों के बीच 10 की खरीदी 20 की बेची, लाभ कितने का होया? 10 का। अगर आप निकालना है भाई लाभ प्रतिशत, आपे निकाला। देखो 10 की खरीदी, बेच कितने की थी? 20 की। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ कितने का बच गया? 10 का। 10 का लाभ बचने के बाद, लाभ अपने पर 10 का है भाई। क्रय मूल्य कितना है भाई? 10 गुणा में क्या करेंगे? 100, 10 तय 10 कट गया, क्या आ गया भाई अपना? 100%, यानी कि लगभग डबल का लाभ हो गया भाई। और अपन इस बात का सीधा भी बेरा पटा था, 10 की खरीदी है और 20 की बेच दी, यानी 100 के 100 का उसकी क्या हो गया? लाभ हो गया भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं शुरू से। अपना ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा भाई, 100% लाभ होया उसने, आने की कोई गुंजाइश नहीं थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा भाई बापा अपना। देखो भाई अगला सेम यही टाइप है, हर टाइप के दो क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर तमने डिटो बस यो कर लियो, उस तबैर तमने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहला देखो आप, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो सबसे पहला तो आप अनु बेरा होना चाहिए भाई, लाभ लग रहा है कि हानि होने लग रही है। ठीक है, पछलम जिस तरह आपने बेरा पड़ा था पहला कि भाई 10 की ले और 20 की बेच दी तो क्या होता भाई? लाभ हुआ था। ठीक है, 10 की लेके 8 की बेचता तो क्या होगा? हानि हो जाएगी। इसी प्रकार अपन सबसे पहला इसमें किस चीज का बेरा पढ़ना है भाई? लाभ होने लग रहा है या हानि होने लग रही है। ठीक है, माना भाई यहाँ पे क्रय मूल्य, देखो भाई एक्स नहीं मानोगे, क्रय मूल्य हो प्रतिशत में मानना हो, मैंने एक के बाद जब आप किसने मानेंगे? 100 ने मानेंगे भाई, 100 के अलावा अपना कोई मित्र नहीं है। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है भाई, 100 रुपये मान लिया यो, कदे को सा 101 मानने लायक जब हम तो बटे वाले 101 मानूंगा, पर नौकरी लागोगे तो बहु आओगी, नहीं तो यो 100 का भी कौन देवा कोई। ठीक है, बटे हुआ हाँ, तो मोदी ने बनाया दिया कि 200 का नोट, बस 100 का छोटा भी था 500 का बड़ा, बीच बिचारा कैट दिया, बोले आप तो रंडा हुए लोगन तो बोले रुपये दुआ दूंगा सुतरे। ठीक है, देखो भाई अपने क्वेश्चन की तरफ आप आवा, अपना वस्तु है भाई और उनका क्या है भाई? मूल्य है भाई अपने पे, एक एक का अपना बस सीपी है और दूसरी आके अपना भाई एसपी है भाई, सेम होगा वही। ठीक है, वस्तु अपना शुरू में क्या है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 20 वस्तु है भाई, 20 का अपन क्रय मूल्य कितना मान लिया भाई? 100। उसके बाद एक वस्तु का अगर आप निकाला रेट, देखो 20 थी 100 मान लिया था, 100/20 क्या आ गया भाई? 5 आओगा, 5 रुपये था भाई उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था भाई? 5 रुपये था। उसके बाद उसने क्या किया, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्रय और विक्रय बराबर होगी, लेकिन वस्तु कितनी होगी? 20 की जगह हो रहा है 25 होगी भाई। ठीक है, पहले 20 थी, कितनी होगी? 25 क्या की बेची? 100 की। अगर आप एक ना निकालेंगे भाई, 100/25, 25 × 100 कितना आ गया भाई? 4 रुपये। इब देखो भाई, खरीदी कितने की? 5 की। बेची कितने की? 4 की। तो ये उसका क्या होगा भाई? घाटा हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, 5 की लेके 4 की बेचती, कितने का घाटा हो गया भाई? 1 रुपये का हो गया, यानी आप सीधी सी बात की क्या इसको मैं हानि होगी। हानि कितने की होगी भाई? 1 रुपया। देखो हानि और लाभ जो भी होगा, मैंने आपकी एक बात बताई थी, वो किस पर होगा भाई? क्रय मूल्य के ऊपर होगा। लाभ हानि कितने की हुई है? 1 रुपये की क्रय मूल्य कितना है भाई? 5। देखो हानि प्रतिशत निकालना है बापा ने, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत और हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे भाई। हानि प्रतिशत बराबर 1/5। एक क्यों भाई? क्योंकि एक की हानि होने लग रही, कितने रुपया पे? 5 रुपया पे एक की हानि होने लग रही है भाई। गुणाम क्या कर जाएंगे भाई? 100 × 5 = 5, 20 × 5 = 120% की क्या होगी भाई? 20% की क्या होने लग रही है? हानि होने लग रही है भाई। यानी कि ऑप्शन ए अपना के है बिल्कुल सही जवाब है, 20% की हानि होगी भाई। ठीक है भाई, अगला करा भाई। एक व्यक्ति या उस तगली टाइप है भाई,
एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 संतरे खरीदता है और 14 रुपए में 10 संतरों के भाव से बेच देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखो सबसे पहला आपा ने नुए बेरा पढ़ना है भाई, मैं बार बार एक के बात कहूँ कि आपा नु बेरा होना चाहिए भाई, कितने की ले गए कितने की बेच दी तो उसे ताप या चीज निकाले कहा कि लाभ होने लग रहा है या हानि होने लग रही है। ठीक है, सबसे पहली बात अपना जो एक काम है भाई, हर एक क्वेश्चन की आपने शॉर्ट ट्रिक मिलेगी ना नू की सारा की अलग अलग एक चैप्टर में हमने एक या दो ही बात सिखाऊंगा, एक दो बात में सीख लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा तारा भाई। देखो अगर इस नेक्स्ट मैन के करोगे तो घना है बटा हो जाएगा, मैथमेटिकल तरीकत है इसकी, एक जमा आसान सी शॉर्ट ट्रिक है भाई, जमा आसान सी है, सरवाड़ी लिखो भाई अपने अब क्या चीज है भाई, वस्तु है भाई कुछ और क्या है अपने अब दूसरी चीज भाई, मूल्य है भाई। वस्तु कितनी है भाई, 15 रुपए में 12 संतरे खरीदता है, 12 संतरे यानी 12 वस्तु है भाई अपने, मूल्य कितना है भाई 15 रुपये, ये अपना क्रय मूल्य के बराबर होगा भाई जो ऊपर की वैल्यू आओगी। उसके बाद क्या होगा, 14 रुपए में 10 संतरे के भाव से बेच देता है, यह कितनी होगी अपनी भाई 10 और वस्तु कितनी बेचती भाई 14, निचला जो होगा अपना वो क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य रिप्रेजेंट करेगा भाई, क्योंकि एक बात बताओ क्रय मूल्य लेने की है तो कब है खरीदी है भाई, यो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य की है बेची है भाई। सबसे आसान तरीका भाई इनकी आर पार गुणा कर दो, क्या कर दो इनकी आर पार गुणा, 10 और 15 ही गुणा करोगे ऊपर क्या आ गया भाई 150 यानी कि 150 रुपए, 12 और 14 की करोगे 14 140, 14 28, 140 और 28 168, कितना आ गया भाई 168 रुपए भाई। देखो खरीदी कितने की थी 150 की और बेच कितने की दी 168 की। सबसे आसान तरीका भाई इस टाइप का कोई भी है, जो वस्तु लिख दियो, मूल्य लिख दियो, आर पार गुणा कर दियो, जो खरीदने जाने की सीध में है जो वो क्या है भाई क्रय मूल्य, और जो बेचने जाने की सीध में है जो वो अपना क्या है भाई विक्रय मूल्य। ठीक है, सीधी सी बात यह है, इस तो फालतू पजल ना हुई हो भाई। ये देखो अपना क्रय मूल्य क्या आ गया भाई 150 रुपये, विक्रय मूल्य क्या आ गया भाई 168 रुपये, यानी सीधी सी बात है क्यों हुआ इसमें भाई लाभ होया भाई, 150 की लेके कितने बेच दी 168 की बेच दी, 150 की लेके 168 की बेच दी तो क्या हो गया लाभ हो गया भाई, कितने रुपये का होया है भाई 18 रुपये का लाभ होया है। मैं कहूँ 168 यानी कि अपना विक्रय मूल्य एस पी माइनस सीपी भाई, सीपी कितना अपना भाई 150, कितना रुपये बच गए 18 रुपये का लाभ होया है। पूछा उसने कहे बताओ उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई, देखो सब तो मना दो हानि वाले ऑप्शन अपने कट गए भाई, क्या होया सिर्फ लाभ होया है भाई, लाभ क्या भाई बात करेंगे 18 रुपये का होया, कितने रुपये का होया है भाई लाभ प्रतिशत बराबर 18/150 है अपना क्रय मूल्य, मैंने यही बात बताई थी 150 × 100, 0 से 0 काट दो पहला भाई, 3 6 18, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 6 2 12 यानी 12% की क्यों हुई है भाई, 12% का क्यों है भाई लाभ होया है भाई। ठीक है, 12% का लाभ यानी कि ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, ये स्त्रियों के सांस और ट्रिका दे करना है, नंबर कोई को निंदा की भाई गणा पेज पर रखे 20 नंबर मिलेंगे, सिर्फ एक टिक लगाने का जवाब है। ठीक है भाई, करो अगला। एक व्यक्ति 15 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और वह 18 रुपए में 10 संतरे के भाव से बेच देता है, इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। सबसे पहला जो मैंने बात बताई थी भाई, अप्लाई करो अपना पहला नू निकालो भाई, क्या आने लग रहा है लाभ आने लग रहा है या हानि आने लग रही है। ठीक है, सबसे पहला अपना क्या है भाई, वस्तु है भाई कुछ वस्तु है, उसके बाद अपना क्या है भाई मूल्य है भाई उनका, खरीदने की बात है तो सबसे पहला क्या होगा क्रय मूल्य होगा भाई, यानी कि अपना क्या होगा सीपी। वस्तु कितनी थी भाई 8 संतरे खरीदता है, कितने रुपया हम भाई 15 रुपया हम भाई, यही बात है भाई और तो कुछ नहीं है। उसके बाद क्या क्या हुआ है 18 रुपए में 10 संतरे के भाव से बेच देता है, रुपये 18 है भाई, वस्तु कितनी होगी भाई, यो किसकी बात करने लग रहा है भाई सेलिंग प्राइस की, यो किसकी बात करने लग रहा है भाई सेलिंग प्राइस की, कर दीवार पार गुणा 8 संतरे खरीदे थे कितने रुपया हम भाई 15 रुपया में, 18 रुपया हम कितने बेच दिए थे 10 बेच दिए थे भाई, आर पार गुणा करो
दस की और पंद्रह ही करोगे, अपना वो सेम कितना आ गया भाई, 150। आठ की और अठारह की, अठारह अठे 144, अठारह अठे क्या आ गया भाई 144। देखो खरीदी थी जेड से की, बेच कितने की थी भाई 144 की, कितने की आनी होगी 6 रुपये की आनी होगी। क्यों है 6 रुपये की आनी हो, गणा में खरीदी थी कम में बेच दी तो क्यों है भाई, सीधी सी बात अपनी हुई है हानि। हानि वो भी कितनी भाई 6 रुपये की, 6 रुपये की जो हानि हुई है किसके ऊपर हुई है भाई, 150 रुपये के ऊपर। अपन के निकालना है भाई हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत अगर अपन निकालना है तो देखो 6 है, 6 बटे में 150 अपना क्रय मूल्य गुणा में भाई 100, 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 प्रतिशत की क्या हुई है भाई हानि हुई है भाई, ठीक है भाई 4 प्रतिशत की क्यों हुआ है हानि हुई है, यानी ऑप्शन बी अपना बिल्कुल राइट जवाब होगा भाई। ठीक है भाई, कहां पे अगला अपना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12 प्रतिशत लाभ पर बेचता है और वह 18 रुपए के अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 18 प्रतिशत का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई उसका अलग टाइप है जो अपन पिछला ग्रह है उससे थोड़ी सी अलग टाइप, देखो आप धीरे धीरे अलग अलग ऐसे ऐसे स्टेज बढ़ावांगे भाई, नुको नहीं एकदम दम दम दे दूँ सीधा ही लेवल सीधा को तुम्हें यहाँ पर बिठा दूंगा। ठीक है, पहले हमें जमा ग्राउंड फ्लोर तक चल लाएंगे, उसके बाद धीरे 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 करके आप बुर्ज खलीफा आप चढ़ाएंगे, कुतुब मीनार की बात तो छोड़ दो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12 प्रतिशत लाभ पर बेचता है भाई, देखो शुरू में कितना लाभ था भाई 12 प्रतिशत भाई, उसके बाद जो क्या भाई कितना बेचना चाहो है 18 पे बेचना चाहो भाई, 12 पे और 18 पे, 12 पे बेच रखी है बेचना कितना चाहो भाई 18 पे, यानी दोनों में कितना फर्क है भाई 6 प्रतिशत का वो फालतू लाभ कमाना चाहो है। उसने एक बात और कह रखी है, अगर वो 6 प्रतिशत का लाभ कमावे है तो उसने कितने रुपये मिलने लग रहे हैं भाई 18 रुपये अधिक, यही बात है 18 रुपये अधिक की बात कहने लग रहा है वो कि 6 रुपये अगर 6 प्रतिशत अगर अधिक लाभ कमाना चाहो तो कितने रुपये मिलेंगे भाई 18 रुपये मिलेंगे। ठीक है, यानी सीधी सी बात है भाई 6 प्रतिशत किसके बराबर है 18 रुपये के बराबर, और अपना जो भी क्रय मूल्य हुआ है वो क्यों हुआ है भाई पूरा का पूरा 100 प्रतिशत, अपनी भी उड़के निकालना है 100 प्रतिशत निकालना है, बात तो जमा आसान है। 1 प्रतिशत किसके बराबर होगा भाई 18 बटे 6, और 100 प्रतिशत यानी कि हमारा क्रय मूल्य किसके बराबर होगा 18 बटे 6 गुणा 100, 6 एकम 6, 6 थी 18, 3 गुणा 100 बराबर 300 रुपये, यानी कि हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया भाई 300 रुपये आ गया। देखो 100 प्रतिशत की वैल्यू है जो आपने क्या हुआ भाई क्रय मूल्य, उसके बाद जो भी आप लाभ कमावा हानि कमावा वो किसके ऊपर कमावांगे क्रय मूल्य के ऊपर कमावांगे, उसके बाद वह वैल्यू 100 तो 120 भी हो सका भाई अगर अपना लाभ हुआ है तो, और वह 100 तो 80 भी हो सका अगर अपने हानि होने लग रही है तो। ठीक है भाई, तो अपना 300 रुपये आया है भाई, इसका जवाब ऑप्शन बी अपना बिल्कुल राइट जवाब होगा भाई। देख लो जमा आसान है, मैंने मेरी तरफ तक ये लिखा है भाई, यह बात उसने बोली थी 12, 18 उसने बोली थी भाई, बस मैंने तो 6 का डिफरेंस लिया है, ये 18 इसने बोल लिया था, तरीका तरीका कर रहा है बस, तीन लाइन तो लिखी है पूरी। करो भाई अगला, देखो सेम ईसा है, पहला जल्दी सा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5 प्रतिशत हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 60 प्रतिशत अधिक में बेचता है तो उसे 10 प्रतिशत का लाभ होता है, वह वस्तु पर 20 प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। इसने थोड़ी सी बात और ऐड कर दी भाई, ये बाबा ने 1 लाख क्रय मूल्य को निकालना, इसमें निकालना है अपने कि 20 प्रतिशत का लाभ भी कमाना है फिर क्या रुपया ही बेचेगा, वह क्रय मूल्य तो हो गया पूरा, क्रय मूल्य पूरा करने का बाद 20 प्रतिशत का एक्स्ट्रा लाभ कमाना है भाई। ठीक है, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5 प्रतिशत की हानि, सबसे पहले उसकी क्यों है भाई हानि हुई कितने की भाई 5 प्रतिशत की, यानी 95 प्रतिशत जो वैल्यू है वह
और उसके बाद क्या क्या है भाई, वस्तु को 60 रुपए अधिक में बेचता है, 10% का लाभ होता है। लाभ कमाना है भाई कितने का भाई, 10% का उसने लाभ कमाना है। एक बात बताओ भाई, 5 की आनी थी, मैं वैल्यू कितनी थी, 100 में 5 कम होगी, के बच की 95 है, और 10 का लाभ कमाना है, 10 का लाभ कमाना तो 110 होगी, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का, जो 15 का डिफरेंस है वह तो दे रखा है, बस 60 रुपये अधिक वह चीज दे रखी होगी। मैं 5 की आनी होती पहले, उसके बाद क्यों है 10 का फायदा भी होने लग रहा है, अपने 5 की आनी होगी घटाई दिया कोई बात नहीं, वह 95 थे, लेकिन 95 होने के बाद वो क्या कहेगा, बस 60 रुपये अधिक में बेचेगा, तो उसकी क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। या दोनों किसकी वैल्यू है, जो है 60 रुपये है, या 60 रुपये वैल्यू है 15% की, 95 तो जो 110 के बीच की बात है, यानी इनका दोनों ना पे जोड़ करागे तो क्या आ गया भाई 15%। देखो मैंने तरती एक बात बताई थी परसेंटेज में, पास और फैलाना में, कि जब भी अकेला पास पास होगा और फेल फेल होगा तो क्या होगा भाई, माइनस हो गए, और जब पास और फेल होगा और फेल और पास होगा जब क्या होगा भाई, प्लस हो गए। उरे देखो एक बार हानि होने लग रही, एक बार लाभ होने लग रहा, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सेम यही चीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे हैं भाई। अगर एक बार आपको हुआ लाभ और एक बार हुआ हानि, दूसरी बार में हानि पहला होगी, फिर क्या हो गया भाई लाभ, सीधी सी बात है, अगर दोनों वैल्यू हैं अलग अलग तो आप करोगे प्लस इनकी वैल्यू ने, प्रतिशत वाली ने, और अगर दोनों वैल्यू है सेम, जैसे कि लाभ लाभ हानि हानि, पर शुरू में भी हानि थी उसके बाद और हानि होगी, तो इन आप फिर क्या करोगे भाई, माइनस करोगे आपस में, ठीक है। ये भी अपने क्वेश्चन पे आवां भाई, यहाँ पे भाई हानि और लाभ, 5% की हानि होगी, 10% का लाभ, टोटल वैल्यू कितनी होगी भाई, 15 होगी, 15 किसके बराबर दी है भाई, 60 रुपये के बराबर दी है भाई उसने, 15% होगी किसके बराबर है भाई, 60 रुपये के बराबर है, एक किसके बराबर होगा भाई, 60/15। 100% की वैल्यू क्यों निकालेंगे आप लोग बताओ भाई, कई हैं 100 की वैल्यू निकालेंगे फिर 20% लाभ कमाओगे, आप डायरेक्ट उरे किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, 120 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 120 की क्यों बोला मेरे खागड़ो, 120 की तो निकालेंगे, यदि कह भी तो रखा है कि भाई 20% का लाभ कमाने खातर बैठा है, वो है हर बार थोड़ी नहीं घाटा खेलेगा, मैं कोई नहीं 1 रुपया बच गया 2 रुपये बच गया किन्नत पूरा पाटेगा भाई, ईब के करना उसने मोटा हाथ मारना है, 20% का तो लाभ कमाना है कमाना है, तो आप इसके करेंगे भाई सीधी वैल्यू निकालेंगे 120% की, 120% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे है तो क्या करना है, 60/15 × 120, ठीक है भाई, 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60, 120 × 12 = 48, 480 रुपये आ गया भाई। यानी जब भी वो 20% का लाभ कमाओगा तो क्या रुपया में बेचेगा भाई, 480 रुपया में बेचेगा, 480 में बेचेगा, तो अपना जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट जवाब होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन सी अपना बिल्कुल राइट जवाब होगा। देखो घना लेंथी हा को नहीं, आसान आसान तरीके अपना पे जमानू नॉर्मल तरीके ने निचोड़ के गेट जाएंगे मैथ ने सारा का सारा ने, बस जोड़ घटा गुणा भागे, मैं तुमने बार बार एक के बात कहूँ, ये चार चीज़ तो हमने बढ़िया तरी आनी चाहिए, उसके बाद सारा काम तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ना कोई भी फार्मूला याद करना। देखो भाई 2D 3D इन दो चैप्टर के बारे में तो मैं कह नहीं सकते आप, और एक सॉरी भाई ट्रिग्नोमेट्री, इनमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी और किसी भी चैप्टर में तो हमने कोई भी फार्मूला याद नहीं करना है, उसके बाद तो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तमें ये चार चीज़ जोड़ घटा गुणा और भाग, तमने ये चार चीज़ आनी चाहिए। इब तक आप लगभग आप दूसरा चैप्टर अपना करने लगे रहे हैं भाई, कोई जमा छोटा मोटा तो भी संग दे कोई फार्मूला लगाया होगा, नहीं अपन कोई फार्मूला की जरूरत को नहीं पड़े, ना अपन ईब लगाया ना अपन आग लगाना, ठीक है भाई। कर आप अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपने तो रिव्यू आ गया भाई, अगली टाइप है यार, देखो हर टाइप के मैंने आपने पहला ही बताया था, बस दो क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, हर टाइप के लगभग दो क्वेश्चन करूंगा भाई, एक आदि के तीन भी करवाए दो और एक आदि का बराबर एक भी करवाए दो, लेकिन कोई भी ऐसी टाइप नहीं रहूगी आपकी, आप मननू कह इसको कि सर आपने करवाया कौन था हमारा तो पेपर में और कि मैं आ गया भाई, करवाया उड़ाया होगा पेपर में, इवनू तो है कौन पूरा 20 लिख रखा है, इनका 20 आ जाएगा, बट इनू है जो तरीका धरती पूरा बताऊंगा वे तरीके सारे के सारे ऑर्डर लाए जाएंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर ध्यान दें वहाँ पे भाई, एक व्यक्ति 480 रुपये में दो घड़ी खरीदता है, एक घड़ी को वह 15% की हानि पर और दूसरी घड़ी को
19% के लाभ पर बेचता है तो वह पाता है कि दोनों घड़ियों को बेचने पर समान राशि प्राप्त होती है। तो घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई, थोड़ा सा उस तो अलग टाइप का है, इसी भी कर देंगे। तारते ही एक चीज़ बताई थी मैंने कि टोटल वैल्यू अपने कितनी हुआ भाई, 100 हुआ है भाई। टोटल वैल्यू क्या हुआ भाई? 100 हुआ है। घड़ी मान लिया अपन भाई, दो घड़ी है, एक घड़ी अपने पास से है, दूसरी कौन सी है भाई? बी। ए के बारे में उसने क्या बताया कि घड़ी ए है उस पर 15% की क्या हुआ भाई, हानि होने लग रही है। टोटल वैल्यू अगर अपनी 100 हो, देखो क्रय मूल्य कह लो इसकी, या टोटल वैल्यू कह लो या सीपी कह लो, कुछ भी कितना है भाई अपना, 100 रुपये भाई, 100 रुपये मान के चलो, ठीक है। ए पे 15% की हानि होगी तो यो कितना बच गया भाई, 85 बच गया भाई, ठीक है। और बी पे क्या है भाई, बी पे 19% का लाभ है भाई, बी कितना हो गया भाई, 119 हो गया। इसके बाद उसने कहा तो वह पाता है दोनों घड़ियों को बेचने पर समान राशि प्राप्त होती है भाई, 185 और बी 119 का कर दिया तो क्या हो गया, बराबर वैल्यू प्राप्त हुई अपन भाई। ए पे घाटा खा लिया और बी पे क्या कर लिया, लाभ कमा लिया, फिर भी ए तो उसका बराबर है, सीधी सी बात वो या कहना चाहो। तो आप एक चीज लिख कहा भाई, 85 ए बराबर है 119 बी के भाई, यह बात आप आरामदारी से कैश कहा। इसके बाद बी उड़ा जाएगा, 85 उड़ा बिकेगा, ए बटा बी बराबर 119/85, ठीक है भाई। वो 119/85 17 पर कटेगा भाई, 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119। यानी मैं एक बात कैश कहूँ, ए अनुपात बी बराबर 7:5, ठीक है भाई। ए अनुपात बी बराबर 7:5 भाई, ए और बी की जो क्रय मूल्य था उनका क्या था भाई, अनुपात 7:5 था, ठीक है। ईमानदार ने एक बात बताई थी भाई परसेंटेज वाला चैप्टर में, ईंधनवा जोड़ कितना हो गया भाई, 12। ईंधनवा का जोड़ अपना कितना आ गया भाई, और ईंधनवा का जो जोड़ है वो किसके बराबर दे रखा है भाई, 480 रुपया के बराबर दे रखा है। अब दोनों मिला के 1 रुपया खरीदी थी, 480 रुपया देख लो पहली लाइन में कह रखा है, यो कह रखा है भाई इसने, बदन में मिला के 480 रुपया खरीदी थी आपने भी, तो यह बात का वहां पे, ठीक है। जितने गुणाई भी हो अपने ईंधन वहां इतने गुणा कर दियो आप वैल्यू है, 12 × 48 कितने गुणा है भाई, 40 गुणा, इसने 40 तक गुणा करो, इसने भी 40 तक गुणा कर दो, 7 × 28 280 रुपया की भाई, ये 280, और इसने भी कर दो भाई 40 तक गुणा, 40 × 5 = 200 रुपये भाई। जो ए है घड़ी अपनी पहली, उसका क्या मूल्य है भाई, 280 रुपये, और बी का कितना है भाई, 200 रुपये, ठीक है भाई। देख लो जमा आसान है पा ना, कि मैं अपनी तरफ से तो कि मैं करे को नहीं है, या वैल्यू देखो उसने दे ही थी भाई, या जो पूरी की पूरी वैल्यू हो रहा था क्या उसने दे ही थी, ठीक है। ये 480 उसने दिया है, आपन तो कह रहा जोड़े कर रहा है, गुणा करी है, यह वैल्यू उसने दे रखी थी भाई, दोनों बराबर है, कट्ट है भाग कर रहा है, ये भी उसने जरा बता दो अपन के कोई फार्मूला लगाया है भाई, सिर्फ जोड़ घटा गुणा और भाग चार चीज करनी है बस, लल्लू ना बनो, स्मार्ट वर्क कर लो, ठीक है भाई। 480 का अपने दो भाग आ लिया भाई, 280 और 200 आ गया, तो अपना डी बिल्कुल राइट है भाई, घड़ी ए 280 की और घड़ी बी 200 रुपया की भाई, ठीक है भाई। करा पे अपना अगला अगला क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति 690 रुपये में दो मेज खरीदता है, वह एक मेज को 10% लाभ पर और दूसरे मेज को 20% लाभ पर बेच देता है, तो वह पाता है कि दोनों मेजों को बेचने पर समान राशि प्राप्त होती है, तो प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई मेज कितने हैं, 2, दोनों आपके कमाओ है, लाभ कमाने लग रहा है भाई, वहां न्यू न्या कोई जिक्र नहीं है, के कमाने लग रहा है दोनों आप, लाभ भाई हो तो आदमी जमा चांदी में है भाई। देखो वही बात भाई, मेज ए और मेज बी के क्या है, एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, एक मेज को कितने प्रतिशत लाभ पर भाई, 10, यानी वैल्यू कितनी होगी भाई, 110। बी को 20% के लाभ पर वैल्यू कितनी होगी भाई, 120। अगर आप उरे तक कैट के बनाना चाहो तो उरे तक कैट के ही बनाए इसको भाई, हग गुण करना पड़ेगा जिस तरह अपन डिवाइडेशन ऑर्डर कराया था, ठीक है।
उरत काट के अगर किसी अनुजी करता होने मैं उरत काट के बनाए दूंगा तो उरत काट के बनाए इसको, लेकिन पलटेंगी मैं वैल्यू, क्या हो जाएगा वैल्यू पलट जाएगी। ए की जगह क्या होगा 12 और बी की जगह क्या जगह 11। देख लो आप वाई करके उसने कहा था भाई दोनों बराबर आ गए, 110 ए बराबर 120 बी, जीरो तो जीरो काट दो भाई, ए बटे बी आ गया भाई क्या आ गया 12/11। मैं यह बात ऊपर कहूँ था बस वैल्यू पलट दियो बस जीरो तो काट के तब नहीं कौन करना पड़ेगा ठीक है। अब अपना पै गया भाई ए अनुपात बी 12:11। देखो बस कुछ नहीं करना, वही पिछला तरीका लगाए जो जोड़ कर दो भाई इनका 12 और 11 का जोड़ कितना हुआ भाई 23 ठीक है। और यो देख इसके बराबर रखा है 690 रुपया में, कितने रुपया में भाई 690 रुपया में खरीद दी 690 रुपये, 23 + 79 हुआ है भाई गुणा 30 कर दो भाई, 23 + 79 30 गुणा हो गया, इसकी भी 30 गुणा कर दो भाई 12 + 36 360 रुपया की होगी भाई पहली मेज, दूसरी मेज भाई कर दो 30 तक गुणा भाई 11 + 33 330 रुपया की होगी भाई ठीक है भाई। देख लो अपना जमा आसान है भाई कि मैं कहना मुश्किल को नहीं है, आज की क्लास में तो आप जमा बेसिक के करने लग रहे हैं ठीक है। हेलो भाई आज की क्लास तो पूरी होगी अपनी, देखो भाई आप अपनी अगली क्लास में भी इसे ना कंटिन्यू रखेंगे, सारे के सारे अपना चैनल ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो, और मैं तो नुए कहूँ भाई अगर किसी ने ऑफलाइन लगानी है तो ऑफलाइन भी लगा के देख लो, ऑनलाइन लगानी है तो ऑनलाइन भी अपना यूट्यूब पर हम क्लास लगा लिया करो, कि मैं करोगे तो कि मैं खा लोगे मेरे भाई, नहीं तो नुए भूखे मरना है, और नौकरी लायक जोगे तो भाई ब्याह भी हो जाएगा, नहीं तो हरियाणा में कुछ नहीं है अपने सारे के सारे बिहार से ट्रक भर के लेना पड़ा बबुआ का, और फिर अडरी तैरी तब आप उसमें पंडे जाइयो ठीक है भाई। मिलते हैं भाई अपन दोबारा था नेक्स्ट क्लास में, अपना यो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का कंटिन्यू रखेंगे, आज की क्लास में आप इतना ही करेंगे, आज की क्लास में अपन इसका बेसिक सा पोर्शन कर लिया है भाई सारा का सारा ठीक है, आप ही बाकी का अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे भाई, सारे के सारे ना हाथ जोड़कर राम राम, धन्यवाद भाई सारे भाई है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो मेरे भाई।